बच्चा लोग बैठा हुआ है पूरा देखने के लिए। लिट्टी दादी बना रही है आज स्पेशल देसी लिट्टी गोईठा का। देखिएगा, इस बैगन पक गया था, मम्मी जी ने दे दिया है। अब मैं बैगन का चोखा बनाऊंगी। बैगन और टमाटर और आलू भी बॉयल करके रखे हैं, चलिए इसको बनाते हैं। देखिए चोखा मैंने लहसुन और हरा मिर्च का डाल दिया। देखिए मम्मी जी खा रही है लिट्टी, बना ली कब से, और यहाँ खा रही है लिट्टी और चोखा। हेलो गाइज, आज का ब्लॉग हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं। गाइज, हम लोग जा रहे हैं फुलसा खाने। हम लोग फुलसा खाने का मन हो गया था इसलिए जा रहे हैं। गाइज, आज हम लोग खा रहे हैं फुलसा। यहाँ देखिए फुसका सब पूरा लगा हुआ है। आज खाएंगे टेस्टी वाला फुसका। देखिए खाना स्टार्ट सोनाली। वे टेस्ट वाला फुसका खा रहे हैं, टेस्टी है। भैया दे रहे हैं फुसका और खा रहे मजा से। आज देखिए गाइस बनेगा लिट्टी चोखा। और देखिए मम्मी जी बना रही है सत्तू। सत्तू में हरा मिर्चा, प्याज और तेल है, और इसमें अदरक डाला हुआ है, लहसुन सब डाल के मिक्स किया। क्या क्या डाली है मुझे? लहसुन, मिर्चा, प्याज, अदरक, नींबू। आज क्या बनेगा? अचार के मसाला सब डाला गया, सब कुछ डाला दिया गया। आज बनेगा देसी लिट्टी। क्या पे बनेगा लिट्टी सेका हुआ? क्या बनेगा? गोईठा पर लिट्टी बनेगी। आज गोईठा में बनेगा लिट्टी। देखिए गाइस, सत्तू पूरा रेडी हो गया है, पूरा मिक्स किया जा रहा है इसको। मम्मी जी बनाई है सत्तू लिट्टी का। आज बनेगा गोईठा पर का लिट्टी और चोखा। देखिए हमने आटा ले लिया है लिट्टी बनाने के लिए। आज मम्मी जी ने सत्तू पहले से रेडी कर दिया हुआ है, और मैं आटा सान लूँगी। इसके लिए इसके अंदर पानी डाल देते हैं। आटा को सान लेंगे हम। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे इस तरह से। थोड़ा और पानी डालेंगे हम। थोड़ा और पानी डाल देते हैं इसके अंदर। सान लेंगे इसको अच्छे से, मिक्स कर लेंगे। कड़ा ही सानेंगे, ढीला नहीं सानेंगे। लिट्टी के लिए थोड़ा कड़ा होता है आटा, इसलिए हम इसको कड़ा सानेंगे। गाइस देखिए, यहाँ आटा सना चुका है। ये आटा सना चुका है, अब मम्मी जी लिट्टी को गढ़ेंगे यहाँ सत्तू के साथ। देखिए लिट्टी गढ़ा के रखा रहा है, यहाँ मम्मी जी गढ़ रही है और सनाया देख रही है। सनाया, लिट्टी तुम देख रही है बनते हुए? हाँ, यहाँ श्रेया बदमाशी कर रही है और शान भी। देखिएगा, ये सब लिट्टी बन के रेडी हो चुका है। मम्मी जी सब सत्तू भी पूरा खाली कर दिए हैं, और इधर भी गढ़ा के रखा रहा है सब लोइया वगैरह काट के। ये देखिए रेडी हो गया, सब बाहर में अन्नू ने पूरा लेकर रखी है। गोईठा बाहर सेका जाएगा घर का। यह देखिए देसी जुगाड़, आज सेकाएगा लिट्टी। यहाँ पे गोईठा रख दिया गया है, देखिए लोहा का तगारी में गोईठा रखा हुआ है। यहाँ से काएगा अब लिट्टी। यहाँ देखिएगा अन्नू जला रही है गोईठा का लकड़ी, दिख रहा है। यहाँ आग जला रहा है, देखिए गोईठा का। पूरा रात हो चुका है, रात का मौसम पूरा आप 7 बज रहा है अभी का। और यहाँ पे देखिए हम लोग घर के आ गए। यहाँ लिट्टी सेका रहा है, आग जलाया जा रहा है अभी। अभी लिट्टी गढ़ा रहा है, मम्मी जी गढ़ रही है।
उससे नहीं जल रहा है, इसमें प्लास्टिक डाल कर जलाया जा रहा है कागज से। हम लोग के पास किरासन तेल नहीं है इसलिए प्लास्टिक अंदर डाला जा रहा है। की आग पूरा अच्छा से धर लिया गया, देखिए पूरा सुलग के आग। यहाँ झोला में हम लोग एक झोला यहाँ पर रखा हुआ है, मम्मी जी पहले से यहाँ पे गोईठा यहाँ पे वो बना के रखी थी लेटी सेकने के लिए। हम लोग बगल में है आंटी लोग, उधर में उन लोग का ही गाय है, उधर से ही लेकर आया गया था। यहाँ श्रेया लिट्टी नहीं खाएगी इसलिए इसके लिए मैंने रोटी बना रहा है, वही लिट्टी काटा था, एक रोटी बना के दूंगी इसको। तब तक अनु वहाँ पे आग जोड़ रही है गोईठा का और मम्मी जी यहाँ पे लिट्टी को गल रही है। देखिए देखिए हम उसके लिए सत्तू वाला रोटी बना रहे हैं, यहाँ से पलटते रहे उसको, हल्का सा तेल लगा लेंगे इसको सेक ले। पहले का हल्का सा निकाल दिया है इसका और थोड़ा फिर इसको सेकूँगी, उसके बाद थोड़ा सा हल्का सा तेल लगा लूँगी, उससे तेल कम थोड़ा लगेगा इसमें। देखिए कैसे तेल डाल दे रहे हैं हल्का सा, पूरा लाल हो चुका है, इसको निकाल लेंगे। चावल अभी हम डाल दें जो सेक के रखे हैं। ये एक ही तेल में हो जाएगा, कुछ टाइम ज़्यादा था तेल लग गया था इसीलिए अभी तेल नहीं डालेंगे, इसको इसी में पका लेंगे। देखिए हो गया ये भी, ठीक है पूरा फूल गया ये, इसको ऐसे करके पका लेंगे। और ये सत्तू वाला श्रेया का रोटी भी रेडी हो चुका है, अब उसको खिला दूंगी। एक और डाल दे रही हूँ बाई चांस मांगेगी तो। देखिए गैस आग पूरा सुलग चुका है, यहाँ से देखिए पूरा अच्छे तरीके से ये मम्मी जी रेडी हुई हैं सेकने के लिए लिट्टी। हमारे बैगन लेके मम्मी जी बोल रही है, बैगन और सीठा लेकर आता, टमाटर भी ना, बैगन और टमाटर लेकर आते हैं। देखिए देख रही है क्या जल रहा है इधर में, फोड़ दिया सुनाया, गिर जाओगी गिर जाओगी। ये देखिए गैस मैंने बैगन और टमाटर ले लिया है पूरा, चार ठो बैगन पांच ठो, चार ठो टमाटर पांच ठो बैगन, और भी चुकी दूंगी। देखिए वहाँ आग चलाई है, सुनाया देख रही है खराब कर, मैं यहाँ लेकर आ गई टमाटर और बैगन। यहाँ बने का लिट्टी का चोखा सिखाया जा रहा है, लिट्टी छोड़ दिया था इसीलिए लेने के लिए आई हूँ सीटा। देखिए गाड़ी देने के लिए मम्मी जी को, यहाँ देखिए सब बच्चा लोग बैठा हुआ है, यहाँ तो बच्चा लोग बैठा हुआ है पूरा देखने के लिए। लिट्टी दादी बना रही है आज स्पेशल देसी लिट्टी गोईठा का, बैगन पक रहा है देखिए, बैगन और टमाटर। देखिए अंबिका दादी के पास खड़ी है, लिट्टी बनवा रही है, सब बैगन वगैरह सब पक रहा है। यहाँ श्रेया और सानवी भी देख रही है क्या कर लिट्टी बन रहा है। सानवी श्रेया गोबर का, गोबर का देखिए हम लेके जा रहे हैं लिट्टी। यहाँ मम्मी जी को देखो, ये देखिए गोईठा भी रेडी हो गया, अब लिट्टी डालाया जाएगा इसमें। देखिए सब बच्चा बैठा हुआ है और यहाँ लिट्टी डला चुका है आग में, ये देखिए लिट्टी पक रहा है। ये मम्मी जी अनु बना रही है, सेक रही है, सब बच्चा यहाँ बैठ के देख रहा है। देखिए गाइस बैगन पक गया था, मम्मी जी ने दे दिया है, अब मैं बैगन का चोखा बनाऊंगी, बैगन और टमाटर और आलू भी बॉयल करके रखे हैं, चलिए इसको बनाते हैं चोखा को। देखिए बैगन को पानी डाल दिए इसमें, इसको धो लेंगे अच्छे से, धो कर निकाल लेंगे। ये आलू भी छील लिए बॉयल किया हुआ और ये सब टमाटर वमाटर सब ऊपर लिया, अब इसको मिक्स कर लेंगे हम। देखिए मैं बैगन को भी देख लिया अच्छी तरह से, इसको मिक्स कर लेंगे बैगन टमाटर को।
देखिए गाइस, श्रेया और शान भी दोनों दादी से लिट्टी मांग रही है। वो लोग का लिट्टी पक गया है, बच्चे लोग को दिला रहा लिट्टी खाने के लिए। तू क्या लिट्टी लेगी? गो क्या लिट्टी है? गोबर लिट्टी। श्रेया बोल रही है गोबर लिट्टी। हाँ गोबर की लिट्टी है। अब फटाफट दादी से ले लो। आएगा देखिए, श्रेया और मांग रही है लेकिन श्रेया एक से बेसी नहीं खाएगी। देखिए लहसुन और हरा मिर्चा का पेस्ट मैंने डाल दिया है और इसमें सरसों तेल चोखा के अंदर सबको मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर में नमक डालेंगे हम। नमक भी डाल दिया है, अब इसको मिक्स कर लेंगे। इसको देखिए तो मिक्स कर लेगा अच्छा से। धनिया भी डाल दिए हैं। चोखा बन के रेडी हो गया है पूरा टेस्टी वाला। ये बॉल लेके श्रेया इसे पकड़ रही है सराया को, ये बॉल लेके भाग रही है दादी के पास बॉल बचाने के चक्कर में। गाइस देखिए, यहाँ पे छोटू के लिए मैंने निकाला है खाने के लिए लिट्टी और यहाँ मम्मी जी के लिए घी डाली है मैंने। घी डाल के सबका खाना सर्व किया जा रहा है। यहाँ तो हम चोखा निकाल ले रहे हैं। अब जा रही मैं देने, तब तक छोटू को देती हूँ। चलो खाओ लिट्टी चोखा। सब बच्चा लोग बैठा हुआ है खेल रहे हैं यहाँ पे। अब फोन चला रहा है, अब खाएगा खाना। यहाँ देखिए मम्मी जब खा रही है लिट्टी बना ली कब से, और यहाँ खा रही है लिट्टी और चोखा। और सागर भी यहाँ बैठा हुआ है, थोड़ा घी डाल कर लिट्टी का अंदर चोखा। यहाँ देखिए श्रेया का पापा ये यहाँ बैठे हैं अब ये खाने, और श्रेया यहाँ खा रही है लिट्टी। गाइस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। कैसा लगा देसी लिट्टी चोखा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। बाय बाय।